शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। देश दुनिया में बेशकीमती और उज्जवल किस्म के हीरो के लिए विख्यात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में विगत 18 अक्टूबर से शुरू हुई हीरो की नीलामी में 3 दिन में महज 94,08,759 कीमत के मात्र 58.85 कैरेट के ही हीरे नीलाम हो सके। बता दें कि हीरा नीलामी के पूर्व अनुमानित कीमत 4 करोड़ से भी अधिक आकी जा रही थी, लेकिन नीलामी ने 1 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छुआ। इस नीलामी में शामिल होने के लिए गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों से हीरा व्यापारी आए हुए थे। वहीं नगर के भी हीरा व्यापारियों के द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। बावजूद इसके हीरो की नीलामी आंकी गई कीमत के करीब भी नहीं पहुंच सके और सभी बड़े हीरे उच्चतम बोली न मिल पाने की वजह से पेंडिंग में चले गए। खबर उन्नाव से है, जहां पर औरास में बप्पा जी संस्कार भवन में स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष समेत कई समाजवादी पार्टी और आज के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। खबर नोएडा से है, जहां पर सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां 130 मीटर रोड पर एक अनियंत्रित कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में घुस गई, जिसमें कार सवार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि कार चालक की मौत मौके पर ही मौत हो जाने से अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखा गया। वहीं गैस कटर से गाड़ी काट कर चालक के शव को बाहर निकाला गया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर कानपुर से है, जहां पर आए दिन डॉक्टरों की गुंडाई के मामले सामने आते रहते हैं। वहीं थाना चकेरी के अंतर्गत चल रहे राजा हॉस्पिटल में कर्मचारी के द्वारा सैलरी मांगने पर उसके साथ अभद्रता और पुलिस की लाठी मरवाने की लगातार धमकियां दी जा रही हैं। 10 तारीख को बोल दिया नहीं होगी, अभी नहीं होगा। 10 तारीख को बोल दिया गया, जाओ बस खत्म। एक हफ्ते से फोन मिला रहा नहीं तो क्या उठाएंगे फोन? क्यों उठाएंगे फोन? क्यों क्यों नहीं उठाएंगे फोन? हम कह रहे हैं ना सर जी, तुम्हारी हम बता रहे हैं। अगर मैं भी सर हाई तुम तो हम अरे हाई पर तुमको भी हम बताएंगे। हाई पर बताएंगे क्या बताएंगे? अंदर आओ। बेबस बोल दिया गया किसी चीज को? सुनो से बात क्या इधर किस बैंक से आया तुम यहाँ पे? साथ में आया हूँ। साथ में आया ना साले? भीख लाठी मरवाऊंगा यहीं पे। भीख लाठी लाठी मरवाऊंगा किस बैंक से? मरवाऊंगा ले गया बंद कर इसकी गुंडाई। हाँ बना भी क्यों कह रहा हूँ मैं तुझे सर। आप रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। इसको ऊपर ले चल ऊपर। खबर बरेली से है, जहां पर आरएफसी धान क्रय केंद्र फरीदपुर प्रथम और द्वितीय पर कुल 400 क्विंटल धान खरीद की जा चुकी है। केंद्र पर मौजूद किसान ने बताया है कि किसी प्रकार की धान बिक्री में किसी भी प्रकार की समस्या जो है वो नहीं हो रही है और इसके अलावा ये भी बताया गया कि केंद्रों पर किसानों का 400 क्विंटल धान तौलने को जमीन पर चढ़ा है, उसे शीघ्र ही तौला जाएगा। जो है कौन कौन सेंटर लगे हुए हैं और तौला गया है? सर यहाँ पे अभी तक जो धान आ रहा है वो किस तरीके का धान आ रहा है और किस तरीके का आना चाहिए, किस तरीके का यहाँ धान पास होता है ये जानना चाहिए। अभी जो धान आ रहा है इसमें नमी पहला वो है कि नमी ज्यादा है, 24% समस्या ये आती है। जैसे किसान ज्यादा नहीं है तो सुखा ले रहे हैं, कुछ जागरूक किसान है वो अपना घर पे सुखा के। यहाँ पर जो है आप कौन से सेंटर में तैनात हैं? मैं आरएफसी सेकंड। यहाँ पर जैसे बोला तो लगभग अभी कितना कितना तौलने के लिए पड़ा हुआ है? 3,000 रुपया पड़ा हुआ है। 200 क्विंटल लगभग पड़ा हुआ है जो अभी नमी में है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लड़कियों के बाथरूम में झांकने वाले सफाईकर्मी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी की पहचान कर ली गई है। सफाईकर्मी के महिलाओं के बाथरूम में झांकने का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक सीनियर गर्ल्स हॉस्टल की एक छात्रा ने इस घटना को लेकर होमगार्ड कार्यालय में तैनात सफाईकर्मी को थप्पड़ मार दिया था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने सफाईकर्मी को गिरफ्तार कर लिया है।
हमने जब एक बार एक लड़की ने देखा हमने विश्वास नहीं किया, उसको भ्रम हुआ है। जब हमने खुद उसको दो तीन बार देखा तब हम बताए, जब उसको तो हमने सामने से देखा, नीम का पेड़ है, दीवार थान कर आता है, नीम के पेड़ से नीचे उतरता है, तो उसको देखा जैसे उसने जैसे हमको देखा, तो उसने हमको नहीं देख पाया, हमने उनको देख लिया, तो जैसे थोड़ी सी नज़र पड़ी उस साइड चला गया। और फिर देखते ही फिर दूसरे दिन हमने सुबह के टाइम हम फ्रेश होने गए तो उस टाइम भी हमने उसको देखा है, तो बोल रहे अब हमने इसको यहाँ पे पहचान लिया, हमने थप्पड़ मार दिया। कहाँ कहाँ पर पहचान लिया? यहीं पे, और वो सीसीटीवी कैमरे में पहचाना, फोटो में भी पहचाना। होम गार्ड कार्यालय। तो यहाँ पर आप आएंगे तो आप लोग को क्या किया जा रहा है? पहचान करने नहीं दे रहे, कह रहे ये हो नहीं सकते, ये हो नहीं सकता है, मान नहीं रहे। बच्चों ने बताया मुझे कि कोई एक आदमी यहाँ से दीवार फांद के और आता है, और वो वहाँ पे रोशनदान है उसमें कभी कभी देखता है वो, और बच्चों के देखने पे वो भाग जाता है। मैंने भी देखा, तो ऐसा तो आता नहीं है वो कि जब हम देखें तभी आए, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया। इसके बाद में हम लोगों ने जा कर के महिला थाना में और एक दर्ज भी कराई थी FIR अज्ञात युवक के, हम यहाँ पे पुलिस आई थी उसी दिन, और कंटिन्यू वो सर्च कर रही है, देख रही है, लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये यहाँ इनके होम गार्ड जो ऑफिस है अपना, इसी से शंका की जा रही है, क्योंकि दिवाली नहीं की है। खबर बरेली से है, जहां पर पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव सपा सुप्रीमो के निधन के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इसमें उपस्थित समाजवादी पार्टी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्तागणों ने उनको याद करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मशांति के लिए प्रार्थना की है। खबर सहारनपुर से है, जहां पर स्कूली बच्चों ने देवबंद कोतवाली का भ्रमण किया है, और इस दौरान देवबंद कोतवाली प्रभारी पीयूष दीक्षित और महिला दरोगा शिवानी चौधरी ने बच्चों को बताया कि किस तरह से पुलिस 24 घंटे लोगों की सुरक्षा में तैनात रहती है। कोतवाली का भ्रमण कर और वहां पर पुलिस के कामकाज को देख बच्चे काफी रोमांचित भी हुए। मेरे से आज हमारा टास्क था SPG हमारे ग्रुप से प्रीति मैम, SP मैम हमारी प्रीति मैम जो सीनियर कर रही हैं, और इस टास्क था हमारा बच्चों को पुलिस की कार्यशैली और पुलिस के बारे में बताना। आज मैंने इन बच्चों को अपने साथ थाने पर लेके गई, थाने की कार्यशैली, विवेचक रूम, सिटीनियस और गाड़ी, कैसे हम वर्किंग करते हैं, किस तरह हम 24 घंटे रहते हैं, क्या क्या पुलिस की भूमिकाएं होती हैं, समाज में क्या काम करते हैं, हमने इन सबको सब कुछ बताया। आप इन बच्चों से एक बार बात कर सकते हैं, बच्चों से पूछिए बच्चों को कैसा लगा, पूरे थाने का भ्रमण करा के आए हैं। पारसी की भिगारीपुर स्थित एपेक्स हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर से हाथापाई की और अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ भी की। इस मामले में पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इसी बीच एक CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें अस्पताल में कुछ युवक तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। खबर कुशीनगर से, जहां पर प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ की शाखा का चुनाव किया गया, जिसमें डॉक्टर मार्कडे चतुर्वेदी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। विजेता अध्यक्ष डॉक्टर चतुर्वेदी और पदाधिकारी को स्वास्थ्य अफसरों ने फूल मालाएं पहनाकर उनको बधाई दी हैं, और इस दौरान नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता चिकित्सकों के सम्मान और हितों को बनाए रखना और मरीजों का बेहतर इलाज करना है। पहले तो मैं अपने सभी साथियों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे निर्विरोध प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ शाखा जनपद कुशीनगर का निर्विरोध अध्यक्ष चुना है, उनके लिए मैं सादर आभार व्यक्त करता हूं, और बहुत धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने मुझे निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित कराया। मैं अपने चिकित्सक साथियों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि उनके हित के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे और उन्हीं के हित के लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे। पहले तो मैं खबर आगर मालवा से है, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय सुसनेर में प्राचार्य एवं वरिष्ठ प्राध्यापक की उपस्थिति में जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, और इस शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ प्राचार्य ने मां शारदे की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके किया है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।